एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है हम करेंगे, सबसे पहले तो देखिए आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आज के लिए आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगा, यानी कि हम एंजल गाइडेंस जो कि हम सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, बीच में हमारा 2-3 दिन या 4-5 दिन छूट गया था, ठीक है, फिर से मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ और ये हर सुबह आपको रीडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपको एंजल गाइडेंस देखने को मिलेगा, आपकी करेंट सिचुएशन कैसी चल रही है और एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस रीडिंग में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपकी करेंट सिचुएशन सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ एंड उसके बाद आप लोगों के लिए जो गाइडेंस निकल के आएगी वो मैं बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जो है अपने आप के ऊपर फोकस कीजिएगा, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, फर्स्ट कार्ड निकल आया है, नीचे गिर गया है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो फर्स्ट कार्ड ये निकला है, देखते हैं आपकी करेंट सिचुएशन क्या है। इतने में मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं रीडिंग, उनकी करेंट सिचुएशन क्या है, डिवाइन मुझे गाइड करें। ओके, जस्ट अ मिनट, कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आज एनर्जीज काफ़ी अलग हैं। ओके ओके, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, सो मैं कार्ड कुछ इसी प्रकार से निकालने वाली हूँ जिसमें आपकी करेंट सिचुएशन देखा जाएगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर, लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है आपके, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोगों का इंटरव्यू भी है, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी लाने की आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करने में लगे हुए हो, लगे पड़े हो, काफ़ी मेहनत कर रहे हो, काफ़ी एफर्ट डाल रहे हो कि अब ज़िंदगी शायद जो है ना सही रास्ते पे आ जाएगी, सही रास्ते पे जैसे ही आएगी शायद आप कुछ कर पाओगे, है ना, कोई नई डील जो है ना लेने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं आपके, ऐसा लग रहा है कि कुछ चाहते हो आप अपनी लाइफ से, ऐसा लग रहा है कि कुछ है आपके प्लान्स हैं, ऐसा लग रहा है कि आप अपने सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हो, निकलना चाहते हो, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल कर रखा है, आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रही है, काफ़ी प्रॉब्लम के साथ जो है आपने देखा है, समझा है, सोचा है, काफ़ी ज़्यादा आपने अपने आप को जो कहते हैं ना कि पुश किया है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में, ठीक है, रिलेशनशिप पे भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है जहाँ पे स्टेबिलिटी आप चाहते हो, ठीक है। आपकी करंट सिचुएशन में देखो तो आप बहुत उदास रहने लगे हो, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट कर लिया है, दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं है, अकेलापन काफ़ी पसंद आ रहा है आपको, आपका डेट ऑफ बर्थ का नंबर जो होता हो सकता है वो नंबर 9 हो सकता है, यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप अपने आप को आगे की तरफ ले जाना चाहते हो, यानी कि आपको स्पिरिचुअल चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हो, आपके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, है ना, क्योंकि आपको जो है ना किसी के गाइडेंस की अभी सख्त से सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आप जो है मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, और आप जो है अपने आप को आगे की तरफ जो ले जाने का सपना देख रहे हो, आपको लग रहा है कि अगर मैं मेडिटेशन करूँगा या मैनिफेस्टेशन करूँगा तो शायद ये चीज़ें हो सकती हैं मेरी लाइफ में, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि यस यस यस, आप अपने आप को काफ़ी पावरफुल बना रहे हो, काफ़ी पावरफुल, किसी भी सिचुएशन से डट कर सामना करना, किसी भी सिचुएशन का डट कर सामना करना, ये एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने तय कर लिया है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है, आपने ये तय कर लिया है कि आप अपनी लाइफ में क्या लाना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, आपकी लाइफ बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, अच्छे तरीके से कहते हैं ना कि
हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं अभी लो फील हो रहा है, जिसको आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ कार्य करना है, कहीं बात ही करनी है, या आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना है, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पुरानी बातें ऐसी हैं जो दिल से लगा के बैठे हो और वो भूल नहीं पा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सारी हैं आपकी लाइफ में जो कि चल रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपने जिसको अपना माना उसने ही कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है, या आप अपने रिलेशनशिप में भी काफ़ी परेशान रहते हो अपने पार्टनर की वजह से। ठीक है, आप कभी कभी ऐसा फील करते हो कि ये सब कुछ मैं छोड़ दूँ, है ना। आपके सामने सिचुएशन कुछ ऐसी ही आती है जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है, सब छोड़ दो। ठीक है, आप अपने सक्सेस को जब से लाना चाहते हो या जब से इस लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो, जितना भी मेहनत करना चाहते हो वो कहीं ना कहीं वो कम है। ठीक है, वो मेहनत आप जो करना चाहते हो या आप जो लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो मेहनत नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि एक्सपीरियंस आपके बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि आपकी लाइफ है ना ट्रैक पे नहीं चल रही है, यानी कि आपकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो। आपको एक्सपीरियंस बहुत है, किसी भी काम का एक्सपीरियंस बहुत है, आप कंफ्यूजन में जी रहे हो, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, आपको समझ नहीं आता है कि क्या है मेरे लिए बेहतर या क्या नहीं है। आप क्लियरिटी नहीं लेके आ पा रहे हो अपने जीवन में, ऐसा लगता है जैसे कि जो क्रिस्टल क्लियर चीज़ें दिखती हैं उनको ऊपर भी जो है आप ध्यान नहीं देते हो। ऐसा लगता है कि अरे ये तो सपना था, ये झूठ है ना, भरोसा नहीं कर पाते हो। मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आपको अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप में कहीं ना कहीं वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसकी कमी है, जिसके वजह से आप अपना एक्शन नहीं ले पा रहे हो। सॉल्यूशन की एनर्जी यहाँ पे आई है। यस, हर किसी को अपनी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, हर कोई चाहता है कि भाई मैं इस प्रॉब्लम में हूँ तो इसका समाधान कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं या आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, साथ ही साथ कोई लीगल मैटर भी चल रहा है, तो वहाँ पे आप चाहते हो कि भाई यहाँ पे मेरी जीत हो, मेरी जीत मुझे मिलनी चाहिए, यानी कि आपको जीत हासिल करना है। ठीक है, आप अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर रहे हो, काफ़ी पेशेंस के साथ हो, फॉरगिव करते हुए दिखाई दे रहे हो, चीज़ों को भूल रहे हो, क्योंकि आप जो है ना अपनी हीलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रही हैं। देखो, एंजल का गाइडेंस यही है आपके लिए आज कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, आज आप परेशान रहोगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये परेशानी लॉन्ग टर्म चलेगी, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्लियर डिसीजन बनाइए कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, चाहे वो जॉब को लेकर के हो, अपने जो है पार्टनर को लेकर के हो, अपने रिलेशनशिप को लेकर के हो, ठीक है, या फिर आपको कहीं जाना है, यानी कि ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल माइंड से स्टेबल हो करके एक डिसीज़न लेना होगा। वो डिसीज़न आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, ये आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिसीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि शांत रहो। ठीक है, अगर किसी से गाइडेंस ले सकते हो तो गाइडेंस लो। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो है अगर हम कहीं मुसीबत में फंसते हैं तो हम किसी अपने बड़े को याद कर सकते हैं, या कोई टारो कार्ड रीडर या कोई एस्ट्रोलॉजर से हम लोग वो सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं, जिससे वो हमें बाहर निकाल सकता है या सॉल्यूशन बता सकता है। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में, एंड ऐसी ही रीडिंग आपको डेली मिला करेगी मेरी इस चैनल पे। एंड आशा करती हूँ आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, एंड मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राधे राधे।